नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारेक और दोस्तों आप सभी का यहाँ पे स्वागत है सिंघकोरी एजुकेशन के आप ही के अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर अपने फिजिक्स एक्सप्रेस में। दोस्तों थोड़ा दिल थाम करके बैठिएगा, दोस्तों आप ही लोगों की खास फरमाइश पर मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ एमसीक्यू की भैया लाइव सीरीज, जहां पे मिलेंगे आपको चमचमाते हुए दनदनाते हुए शानदार से भैया क्वेश्चंस। तो अब दोस्तों आखिर देर किस बात की है, फटाफट से जो है कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और हाँ दोस्तों सवालों के साथ साथ जो है कमेंट सेक्शन में भी जो है आग लगती रहनी चाहिए। इस वीडियो के ऊपर लाइक को जो है लाइक के बटन को आप लोगों को जरूर से जो है दबाना है, उसी के साथ साथ इस वीडियो के लिंक को दुनिया जहान में दोस्तों फैला देना है। तो आओ राजा अब करते हैं आज की सभा का शुभारंभ। तो दोस्तों यहां पर जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, हम लोग यहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो क्वेश्चंस है भैया उनका हम लोग यहां रिवीजन करेंगे। दोस्तों 10 क्वेश्चन है भैया वो हम समझाएंगे और क्योंकि जो शीट में भैया 15 क्वेश्चंस है, टोटल जो पीडीएफ है दोस्तों आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बाकी जो क्वेश्चंस की आप जो प्रैक्टिस है आप वहां से कर सकते हैं। तो आइए ना भैया चलते हैं भैया आगे। तो चलिए भैया दनदनाते हुए सनसनाते हुए क्वेश्चंस, और ये देख सकते हैं भैया पहले क्वेश्चन में एस्ट्रोनॉट आ गया। सर मजे आ जाएंगे सर एस्ट्रोनॉट, सर मैं भी बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। तो आखिर सर जी क्वेश्चन ये है कि भैया एक एस्ट्रोनॉट था, है ना, था उसको जो है स्पेस में भेज दिया। अब जिस स्पेस शिप से भेजा सही है वो जो है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, जैसे ये जा रहा था 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, ठीक है ठीक है ओके सर ओके। तो अब अंकल क्या बोले, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही After he is outside the spaceship, यानी भैया तुम एक spaceship में थे, उसकी जो भी स्पीड थी और यही जो स्पेसशिप है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से धड़ाधड़ चल रही है, चलते चलते भैया एक जो है इंसिडेंट एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से एक एस्ट्रोनॉट वहां से बाहर चला गया। तो जिस वक्त वो बाहर गया हो उस वक्त आप लोगों को क्या बताना है कि उस एस्ट्रोनॉट का एक्सीलरेशन कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अरे क्या तुम लोगों ने इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ा है कि नहीं? हाँ पढ़ा है सर। हमारी स्पीड कितनी होती है? उतनी ही होती है जिस फ्रेम में हम है। अरे फ्रेम में नहीं रे बाबा, फ्रेम में भाई कोई आदमी है बस से सफर कर रहा है तो भी आदमी की स्पीड कितनी होगी? उतनी ही होगी जितनी की बस की स्पीड है। अच्छा तो अगर ये कहता कि भैया स्पेसशिप की जो स्पीड थी जिस वक्त इसको गिराया तो एस्ट्रोनॉट की भी वही स्पीड होगी, इससे तो हम सहमत है। लेकिन ये वो नहीं बोला, ये बोला कि 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा रहा। तो अब अगर इसको यहां छोड़ दे मतलब इसको वहां से निकाल के भैया फेंक दे, उसको से ड्रॉप कर दे एस्ट्रोनॉट को, तो आखिर एस्ट्रोनॉट की जो एक्सीलरेशन क्या होगा? सर एक्सीलरेशन तो स्पेसशिप का है, अंदर इंजन लगे होंगे। अरे यहां पे तो कुछ है ही ना सभी एस्ट्रोनॉट की, कोई थोड़ी इंजन लगे, स्पेसशिप में इंजन लगे हैं ना। तो जब आप इसको छोड़ोगे तो मान लिया जितनी स्पीड एस्ट्रो या स्पेसशिप की थी उतनी ही स्पीड एस्ट्रोनॉट की होगी, लेकिन इसका एक्सीलरेशन कितना होगा बाबा? अरे जीरो होगा, जीरो। इसलिए भैया फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लोग बात स्पीड वाली बात को दिमाग में सेट करके 100 कर देते हैं, वो गलत है क्योंकि ये एक्सीलरेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे ये था दनदनाता हुआ चमचमाता हुआ एक क्वेश्चन। अब चलते हैं फटाफट से आगे और रज्जा भैया जल्दी से आइए। सर जी ये क्या है, सर जी ये क्या है? तो बोल रहा अ पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बस। एक जो है बस सवार व्यक्ति था, बस से उतर रहा था, चलती बस से, पहले तो गलती इस पैसेंजर की है, चलती बस से उतर रहा था तो वो गिर गया, तो गिर गया वो है। तो अब अंकल पूछ रहे दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर, यानी अब जब वो गिरा तो बस की डायरेक्शन में ही आगे जाकर के गिरा। ऐसा देखा है ना ये भैया, जब कोई व्यक्ति है बस से उतर रहा है तो उसको नहीं बोलते आगे मुंह करके उतरो,
क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर बस का जो इनर्शिया है मोशन वाला, व्यक्ति भी तो वहीं पर है, तो व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है। अगर तो पीछे मुंह करके उतर गए तुम ऐसे आगे की तरफ जाके गिरोगे, सर के बल जो है जमीन पर जाके फट जाएगा, इसलिए बोलते हैं अरे आगे मुंह करके उतरो, फिजिक्स है। अब सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब वो बस से उतरा तो वो आगे की तरफ थोड़ा सा ऐसे गिरता है सर, जिसका इसके पीछे आकर कौन सा इनर्शिया जिम्मेदार है? तो नो डाउट इसके पीछे जिम्मेदार है बापू, जिम्मेदार नहीं है भैया, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? जिम्मेदार। इतना सिस्सा सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं अभी आगे फटाफट से, टिन जो एक एक और सर बढ़िया क्वेश्चन आ गया, मजे आएंगे सर। सर जी क्या बोल रहा है कि किसी जो है पार्टिकल का मोशन जिसका मास द्रव्यमान m है, बेटा जे का जे क्वेश्चन हमने क्लास में भी करवाया हुआ है, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके बाद में आंसर चेक कर सकते हैं, मजा आएगा, टू मच फन। और हाँ दोस्तों, दिवाली की छुट्टियां कैसी जा रही है भैया, कमेंट करके जरूर से हमको बताना मजा आ रहा है कि नहीं, जरूर से लिख के बताना। तो और रज्जा अब यहां पर क्या है सर, y is equal to ed plus half of zd square। अच्छा तो बेटा क्या बोल रहा है कि जो पार्टिकल पे फोर्स कितना लगा? सर फोर्स तो आप ही पढ़ाए थे, मास इनटू एक्सीलरेशन। सर मास तो m है, कॉश एक्सीलरेशन पता, जबकि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का फंक्शन है। तो सर क्या करें? अरे बेटे पहले वेलोसिटी निकालो, यानी इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा ut का क्या होगा? ये हाफ मल्टीप्लाई में g अपनी जगह मल्टीप्लाई में t स्क्वायर का दोस्त कितना होगा? tt, 2 से 20 खत्म। सही तो वेलोसिटी आई, आपको एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करोगे? ये का बैक फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेटा देखो अब कितना आएगा सर, अब u तो इकलौता कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का बेटा 0, बेटा g का g, t का कितना हुआ 1, तो कितना आया g? अरे बाप रे, यानी एक्सीलरेशन कितना है g? तो यहां लिखोगे तो आएगा mg mg, यानी बेटा कौन सा ऑप्शन है? लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं दोस्तों, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। जिन बच्चा पार्टिकल स्क्रीनशॉट ले रहा है हम साइड में चल जाते हैं भैया, जरूर से स्क्रीनशॉट दीजिएगा। तो अब चलते हैं भैया आगे, 3 2 1 चलो फटाफट धनारण क्वेश्चन कर रहे, मजाक थोड़ी है। तो देख लो भैया दोस्तों, ये जमाना बदल रहा है, चाहे नीट हो, चाहे आईटी मेंस एडवांस के पेपर हो, चाहे आपकी सीबीएसई का भैया पेपर हो, आजकल आजकल जो है मैच दी फॉलोइंग के भी जो है क्वेश्चन आ रहे, मिलाने वाले भी आ रहे। तो आइए ना मिलाइए ना, आइए मिलके मिलाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे सस्ती जो चीज हो ना उसको पकड़ लेनी चाहिए, तो अपना काम हो जाएगा यार, काम हो जाएगा। सही है और रज्जा, अब सर यहां पर क्या करें सर, हमको तो समझ ही नहीं आया सर। देखो ये क्या बोले अंकल की मेजर ऑफ फोर्स, तो भैया फोर्स को मापता कौन, उसका मेजरमेंट कौन करता है? सेकंड लॉ पढ़ाए थे, सेकंड लॉ क्या बताता है? फोर्स की वैल्यू बताता है दोस्तों। देखो बेटा बी है अच्छा, तो बी का देखो भैया मेजर ऑफ फोर्स कौन बताएगा? न्यूटन सेकंड लॉ। तो भैया बी में क्या आएगा? आर। ये हो गया। अब सर क्या, सर डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की जरूरत कब पड़ती है या फिर फोर्स की परिभाषा क्या है, आखिर इसके बारे में कौन बताता है? फर्स्ट लॉ कि फोर्स तभी चाहिए जब ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज करना हो। तो बेटा ए के लिए कौन सा आएगा? फर्स्ट लॉ जो कि एस में है, तो भैया ए के लिए क्या आ गया? एस आ गया। अच्छा अब सर इफेक्ट ऑफ फोर्स है, क्या क्या कर सकता है? इंपल्स पढ़ाए थे, इंपल्स है ना। तो आओ देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स में सर इंपल्स, यानी सर देखो क्या आ गया? क्यू। अच्छा और सर रिकॉइलिंग ऑफ गन, एक्शन का रिएक्शन, भैया तुमने उधर लगा इधर पीछे लगा, और भैया यही से जो है तुम्हारे पास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली बात, संवेग के संरक्षण वाली बात भी यहीं से आ सकती है रे। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन में जब जाएंगे तो कौन सा आएगा सर? वो आएगा पी वाला। बस अब देख लो बेटा कौन सा है, तो देखो ए में एस यहां पर है, बी में आर, सर को ए में एस बी में आर, सी में क्यू और डी में पी। अडा सॉरी अडा भैया, थर्ड ऑप्शन आ गया। फंटेस्टिक भैया, चार क्वेश्चन यहां पे धुआंधार हो गए। चलिए आगे, 3 2 1 3 फटाफट भैया, धनाधन सीरीज चल रही है, जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं। अरे बच्चों को जमीन चक्कर चलाना यार, उसको बहुत मजा आएगा यार। तो चलो आगे, चलो आगे, आइए देखिए भैया अब चलते हैं सर आगे। तो देखो बेटा जी क्या क्वेश्चन है रे सर, क्लास का क्वेश्चन है सर,
रीजन तो बहुत सिंपल है कि सर देखो एक बॉल है दीवार से ढचुक टकराई, फिर ढचुक टकरा करके वापस आ गई, कितने पे गई 30 डिग्री पे आई भी, कितने पे 30 डिग्री पे आई। तो बेटा जी हम पढ़ाए थे इसका मास m है, इसकी स्पीड u है, सर आप लोगों को डायरेक्ट इसको याद भी करवा दिया था, पहले समझाया था आपको, पता है मैं डायरेक्ट याद नहीं करवाता हूं, समझाता हूं मैं। तो बेटा इसका चेंज इन मोमेंटम बेटा कितना आता है 2m ये cos थीटा, जहां पे थीटा j वाला एंगल होना चाहिए, सही है। और जो ये राइट अप फैला है, जो चेंज हुआ है कितने टाइम में हुआ है, बोला है भैया t टाइम में फैला है, तो क्या बताइए द फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, यानी कि भैया देखो भैया बॉल ने जितना दीवार पर लगाया उतना ही तो दीवार ने बॉल पे लगाया, तो भैया ये जो है दीवार द्वारा बॉल पे लगाया गया, अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो भाई वही एक्शन रिएक्शन बात एक ही है, चाहे से आप जो है दीवार के थ्रू बॉल पर निकाल लो या बॉल के थ्रू दीवार पे, बात एक है। लेकिन सर फोर्स निकालते कैसे है, चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन, बॉल लगने वाला डायवाडा हो गया। कौन सा ऑप्शन आ गया सर, फोर्थ ऑप्शन इज आपसे लियोट ने करेक्ट खत्म सर, हिला डाला सर, हो गया क्वेश्चन हटाओ। अब चलो इसके आगे आओ, आओ बेटा जी मजे आएंगे बेटा तुमको, आइए ना। क्या क्वेश्चन है कि देखो दोस्तों क्वेश्चंस आंसर्स अपनी जगह पर है, कई सवाल बच्चों से इजीली बन जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते, लेकिन अगर नहीं बन पाते तो दोस्तों उनका पीछा मत छोड़ो बल्कि उनसे खास दोस्ती कर लो। अरे जो चीज तुम्हें जिंदगी में परेशान करती है ना, या तो तुम उसको छोड़ दो या उससे दोस्ती कर लो। लेकिन सर पढ़ाई कैसे छोड़ दे, तो बड़ा उससे दोस्ती करनी पड़े, और कोई परेशान करे छोड़ो उसको, सिंपल, किसी से सर नहीं खपाना है हमें, ठीक है, या तो दोस्ती करेंगे या छोड़ेंगे। तो अब आइए सर इससे दोस्ती कर लेते हैं। सर ये क्या बोल रहा है कि वे शेल ऑफ मास 200 ग्राम is fired by a gun of mass 100 kg, यानी गन का आदमी का मिलाकर kg, देखो भैया यहां बना लेते हैं, ये थी भैया बुलेट, यहां मतलब गन और यहां से बुलेट फायर की, बुलेट है या ऑब्जेक्ट है जो भी है, वो शेल मतलब जो भी है, ये भैया 200 ग्राम का है, अच्छा 80 मीटर पर सेकंड से गया ही। तो भैया बोल रहा है कि गन कितनी स्पीड से पीछे है, ये ऐसा नहीं होता कि जब तुम ऐसे गन को फायर करो ढिचकियां तो पीछे झटका लगता है, बस वही तो निकाल रहा है, सिंपल। सर इसमें क्या करते हैं सर, जितना आगे उतना पीछे, सर क्यों, अरे पहले जीरो था ना, समझे नहीं आप लोग, पहले जीरो था यानी भैया ये गन का और ये प्लस बुलेट का, जब इसको यहां लाओगे सर वो माइनस इसलिए आ रहा है, जब इसको यहां लाओगे तो माइनस आएगा, ये दोनों ऑपोजिट में गए, माइनस नहीं आएगा, हाँ तो हमें तो मैग्नीट्यूड परिमाण से मतलब है ना, तो भैया बुलेट का बराबर जो है गन का, अब बुलेट का क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी, सर ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ब्रेक, ये संवेग संरक्षण नियम का एग्जांपल है। तो और राज्य इसका मास 200 अपॉन 1000 और इनटू बेटा किसके 80, अब ये बेटा गन 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 का कितना है 100, बाप रे सर तोप है क्या, अब सर कितनी स्पीड से बेटा निकाल लेंगे, टेंशन मत लो तुम, डबल जीरो से डबल जीरो, इनटी से ये अंकल खत्म, तो बेटा जी जे जो वी बराबर कितना 16/100, इतना मीटर पर सेकंड, ऑप्शन में है क्या सर, सेंटीमीटर है तो 16/100, बेटा जब तुम इसको करोगे तो एक काम करो तुम इसको सेंटीमीटर में कर लो, तो सेंटीमीटर में 16/100 करना पड़ेगा अपॉन 100, पहले से बात हो गया 16 सेंटीमीटर पर सेकंड, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, आ गया भैया आंसर। छह गणनात्मक क्वेश्चन हो गए, चार और बाकी है, बाकी जो पांच बच जाए वो दोस्तों तुम लोगों को अपने घर से जो है खुद के लेवल पे करने पड़ेंगे, नहीं आए आप लोगों को पता है कमेंट का करना है, या तो इसी के जो है वीडियो के नीचे करना है, या फिर व्हाट्सएप पे आकर करना है, या अपने डायरेक्ट टीचर से भैया बात करेंगे, ठीक है। तो अब चलो आगे, जल्दी 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 सर, काम बहुत है, काम बहुत है सर, काम बहुत है सर, बहुत सारा काम। अब सर ये क्या रायता फैला रहा दोस्तों, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है कि सर एक चोटी थी, एक मतलब भाई बिल्डिंग की हाइट मान लो, पहाड़ की चोटी कुछ भी थी, कितने मीटर की है हाइट ऑफ क्लिस 500 मीटर, बाप रे इतना ऊपर है, बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बुर्ज खलीफा का तो थोड़ा कम ही है, 7% ही है, सही है। अब क्या करना है कि यहां से एक ऑब्जेक्ट को तुमने फायर किया हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसा फेंका, जो भी किया तुमने फायर किया भैया, अच्छा
अब अंकल क्या बोल रहे कि 100 केजी की गन से फायर किया हुआ है, है ना, 100 केजी गन फायर से बॉल ऑफ 1 केजी, अच्छा नहीं 1 किलो की बॉल है जिसको गन से फायर किया गया, अब कितनी स्पीड से किया, अंकल ने बताया कोई ना, हम निकाल लेंगे। तो फिर बोल रहा है अगर ये ग्राउंड पे 400 मीटर आ गया, ये बेटा यहां जाके गिरती है, 400 मीटर आ गया, 400 मीटर दोस्तों यहां पे आगे जो है आकर के गिरती है। तो बेटा अब क्या करना है, अब करना है द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, सर तो पुराना वाला सेम आया, यानी कि गन कितने से पीछे जाएगी, सर गन तो पीछे जब जाएगी ना जब आप इसको कितने से फेंके हो, ये तो पता लगा लो। अब सर ये कहां से पता लगाओ, तो सिंपल है बेटा, अरे जितने टाइम में नीचे आया है उतने टाइम में आगे बढ़ जाएगा। हाँ, तो तुम पहले नीचे जाने का टाइम निकाल लो, 500 मीटर नीचे गया है, एक्सीलरेशन है, हाँ सर जी वो तो है, और अंकल कह रहे हैं कि भैया जी काम है कितना ले लो, तो सिंपल है ना, y is equal to ut plus half of gt square, सर कितना नीचे आया बेटा, 500 मीटर आया ना नीचे, हाँ सर 500 मीटर आया, और सर ui, अरे भाई हॉरिजॉन्टली फेंका है तो ui तो जीरो होगा ना, हाँ सर प्लस हाफ जी की वैल्यू दस, ठीक है स्क्वायर इन तरह से ये एंटी कहता है 50 को 2 से करेंगे तो 100, यानी दोस्त t स्क्वायर बराबर 100, यानी दोस्त t बराबर कितना आया 10 सेकंड, अगर t बराबर 10 सेकंड है तो सर 10 सेकंड में आगे भी तो गया है, और ये आगे कौन लेके जा रही है, सर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और बिना एक्सीलरेशन के एकदम यूनिफॉर्म मोशन में आगे भी जा रहा है, और लेकिन नीचे जो जा रहा है वो एक्सीलरेटेड मोशन, सही है। तो दोस्त अब क्या करें, सर हो गया, तो देखो ux इनटू कितना 10 सेकंड बराबर किसके 400 मीटर, अरे यही तो लिखेंगे भाई, यही तो स्पीड है जो कि 10 सेकंड में आगे लेके गए, आपको क्या मालूम 10 सेकंड आगे गया, अरे जितने में नीचे है उतने में आगे, सिंपल दे समझा करो भाई, तो इन अंतर से ये एंटी खत्म, यानी ux बराबर कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड, सर चंप का, यानी जो ये जो गोली है जो भी है तोप, मतलब तोप का गोला है, ये 40 मीटर पर सेकंड से आ गया, तो किसी बंदूक से क्या किया ना, तो बंदूक कितने से पीछे आई, और राज्य बनाओ ना बंदूक बना दी सर, सर अब क्या करेंगे, जितना आगे मोमेंटम उतना पीछे, सिंपल सर आगे वाले का, यानी सर ये जो ये 1 केजी का है मास, 40 की इसकी स्पीड, अब पीछे का सर गन 100 किलो की, बाप रे कितनी स्पीड है, अब इन निकालते इन अंकल सी एंटी खत्म, थोड़ा v बराबर 0.4 मीटर पर सेकंड चमका बेटा, कहां चमका सर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, तो अगर तुम्हारे पास 100 किलो की गन है उससे 1 किलो की बुलेट तुम फायर कर रहे हो, और देखो सुनो यहां पे घुमाया है इसने आगे की स्पीड थोड़ी दी, इसको कहा है कि ये 500 मीटर नीचे 400 मीटर आगे जाके गिरा है, तो पहले हमने टाइम निकाला, फिर हमने हॉरिजॉन्टल स्पीड निकाली, तब जाकर के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ब्रेक के संवेग संरक्षण का नियम यहां पर अप्लाई कर दिया, हो गया वाला, हो गया हो गया हो गया, सही है भैया, आगे चलते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए ले लीजिए, वरना आगे 3 2 1 खत्म, ठीक है। अब देखो बेटा इसके आगे, अरे सर जी ये तो वही है, ये तो वही है जो कि भैया क्लास का क्वेश्चन है सर, यानी ये आप नहीं बताओगे, कब भी नहीं बताऊंगा भैया, कब भी नहीं, कैसे सर भैया ये फ्रिक्शन लेस प्लेन है, घर्षण मुक्त क्या है सतह, तुम यहां से कोई फोर्स लगा रहे हो बेटा, कितना लगा रहे हो, इसने दिया होगा 600 न्यूटन, यानी यहां पे, अरे सर दिखेगा ही नहीं, कोई ना अभी दिखाते हैं तुमको, यहां भैया 600 न्यूटन फोर्स है, तो आंटी क्या पूछ रही है, आंटी ये पूछ रही है कि जो बीच में रस्सी है, अरे इसमें तनाव क्या होगा, दोस्तों एमबीडी के ऊपर तो भैया तुम्हारी ऐसी पीएचडी हमने कर, पीएचडी तो नहीं बोल सकते, पर हाँ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को खूब सारे मैंने करवा रखे हैं, तो अब इस सवाल का जवाब दोस्तों तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, और भैया जो बच्चा इस सवाल का सबसे पहले जवाब देगा उसे मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट सिंहकोरी एजुकेशन के टीम से, सही है। तो देखो बेटा ये कर लेंगे, चलिए आगे 3 2 1 चलो आगे आ गए सर टू मच फन। सर आंटी क्या बोल रही है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, यानी कि न्यूटन बाबा का जो ये द्वितीय जो नियम है, आखिर दोस्तों ये क्या है, ये सर आप पढ़ाए थे F इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी, अगर एक्सप्रेशन की टर्म में चाहिए देख लीजिए कौन सा है, अरे कितने, और वाह बेटा कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, पहला ही ऑप्शन मिल गया, बताओ पहला ही ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं
इस पूरे अब तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए वहां पे हर वैरायटी के दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस मिले, एप्लीकेशन बेस्ड, थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल, है केस, इसमें कई तमाम तरीके के दोस्तों आप लोगों को यहां पे लाजवाब से क्वेश्चंस मिले। तो अब चलते हैं भैया बिना वक्त गवाए आगे, फटाफट सर आगे चलो। ओके सर आ गया भैया, आ गया सर, कौन आ गई बेटा? आखिरी सवाल सर ये क्या है? ये अंकल कह रहे एम मास का ऑब्जेक्ट है जो कि रिजिड वॉल यानी कि दृढ़ क्या है, दीवार है, अमिताभ बच्चन की दीवार, जो कि स्पीड यू से टकराया है फिर रिबाउंड हुआ है सेम स्पीड, मतलब टकरा कर जैसे मान ली सामने दीवार है, मैंने एक बॉल फेंकी डिचुक सामने टकरा कर डिचुक मेरी तरफ आ गई, जिस डायरेक्शन में गई थी उसके जस्ट ऑपोजिट सेम स्पीड से आ गई। तो क्या बोल रहा है? द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल, यानी दीवार ने बॉल पर कितना इंपल्स यानी आवेग लगाया सर? चमका बेटा, क्या चमका सर? ये यूं जाके चुक सर, एक सेकंड, ये यूं जाके चुक, फिर ये बेटा इसी जो है रास्ते पे जो है वापस आ जाएगी। सर आप पढ़ाए थे इंपल्स कितना होता है चेंज इन मोमेंटम, पढ़ाए थे संवेग में परिवर्तन। तो सर जब एंगल पे आता है तो 2mu cos थीटा, अगर u जाके सीधे ऑपोजिट आ जाए तो सर 2mu लिखते हैं, लेकिन सर अगर वो वाला पॉजिटिव है सर ये वाला नेगेटिव होगा ना, पढ़ाए थे इसलिए बेटा कौन सा ऑप्शन आएगा बाबा? फोर्थ ऑप्शन बेटा, -2mu। सर कैसे? अरे बेटा गया, अरे बेटा गया तो +mu, और बेटा जब आया तो क्या लिखोगे? -mu। अब क्या चाहिए? चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, बस इनकी वैल्यू चिपका दो, तुम्हारा आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन बेटा आ गया। तो आप दोस्तों यहां पे देख सकते हैं ये थी धूम धड़ाके की मस्ती से भरी हुई दोस्तों फिजिक्स की क्लास। आप लोगों को कैसा लगा है या कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर से बताएगा, और हाँ इस क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज की पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी भैया, वहां से जरूर से आप लोग बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं समझ में आए कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सेवा में हर वक्त एकदम तत्पर है, बस आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर एक और नई क्लास में सेम जगह सेम प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए बाय बाय।